नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन DSSSB PGT 2020 इतिहास भाग 68 में, जिसकी परीक्षा जून या जुलाई में होने वाली है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ए, यानी वरुण जो है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और तीसरा इसमें पापियों को दंड देते थे, दूसरा और चौथा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है, तो ये विचार किसे प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा डी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? तो ये संपन्न होते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो ये अंकित है, आंसर होगा इसका बी, बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ए, सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसका आंसर होगा ए, यह कर्मवाद में विश्वास करता है, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? तो भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है जिसका नाम है मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा इसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है त्रयोदश अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे ज्ञात होता है कि राजकोष्ठ गारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? तो ये किया जाता था सागौरा का ताम्रपत्र अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? तो कलिंग विजय की थी किस वर्ष में? तो ये की थी 8वें वर्ष, यानी अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 600,000 सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो ये कहा था, किसने कहा था? ये कहा था प्लूटार्क ने, प्लूटार्क।
क्वेश्चन नंबर 16 है कथन और कारण से। कथन दिया इसमें मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण दिया है अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। तो किस अधिकारी को यह सौंपा गया था कर वसूलने का, इसका नाम था समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 18 है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था। तो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था पुष्य गुप्त। आंसर होगा बी, पुष्य गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19 है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में उल्लेखित निम्नलिखित पोताश्रयों में से किसमें मोती पाए जाते थे। तो ये मोती पाए जाते थे कालची में। आंसर होगा डी, कालची में। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नांकित में से किस ग्रंथ में पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में। ये पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कुषाणों ने किन धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए। तो ये सिक्के जारी किए थे सोने चांदी और तांबे के। क्वेश्चन नंबर 22 है हिंद महासागर में मानसून की नियमितता की खोज किसने की जिससे भारत रोम व्यापार को प्रेरणा मिली। तो ये खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी हिप्पालुस ने। किसने की थी, हिप्पालुस ने। यानी ईसा की पहली सदी में हिप्पालुस नामक एक ग्रीक नाविक था जो अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं को जानकारी दी जिससे भारत और रोम के बीच व्यापार का जो है संबंध बना या प्रेरणा मिला। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित पांच रात्र व्यूह के चार देवता कौन कौन थे। ये इसका आंसर होगा ए, यानी अनिरुद्ध थे, प्रघुम्न, सकर्षण और वासुदेव। यानी 1, 3, 4, 5 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया जाने वाला अन्न, तो ये अन्न जो है ग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी स्मृतिकारों के अनुसार जो शूद्र ब्राह्मण को अन्न देते थे वह जो है ब्राह्मण शूद्रों का अन्न ग्रहण नहीं करता था। तो यही यहाँ पर आंसर होगा बी, ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 25 है पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन थे। पाशुपत संप्रदाय का, तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिस। क्वेश्चन नंबर 26 है भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। ये 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है भागवत धर्म में। क्वेश्चन नंबर 27 है शूद्रों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और संकेत सूची के अनुसार इसमें उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर होगा डी, यानी सभी सही है इसमें। पहला देख लीजिए वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक थे, सही है। शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, ये भी सही है। तीसरा है कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है, ये भी सही है। चौथा है पूर्व मध्यकाल में वे सत अच्छे और असत बुरे वर्गों को विभाजित किए गए थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है। तो ये संप्रदाय है कौल। क्वेश्चन नंबर 29 है विष्टि का तात्पर्य है, विष्टि का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जबरदस्ती
और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी को बिष्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था? तो ये भारत आया था 7वीं शताब्दी में इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग, ये चीनी यात्री था इत्सिंग, वेनसांग के बाद आया था ये। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।